सो इट्स मेन अ लॉन्ग टाइम सिंस हमने कोई हाइब्रिड बाइक का रिव्यू र्यू हो तो मैं इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी हाइब्रिड बाइक लेके आऊँ जो आपको लॉन्ग राइड्स में थोड़ा सा ऑफ रोड में डेली कम्यूटिंग में सारी टाइप की राइड्स में काफी हेल्प करेगी आपकी हाइट आपका वेट क्या प्लस पॉइंट्स है क्या नेगेटिव पॉइंट्स है इस बाइक के हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इस रि वीडियो में और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम डिस्कस करेंगे जो प्राइस रेंज में आ रही है वो वर्थ इट है या नहीं सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सो लेट स्टार्ट विद फर्स्ट फीचर ऑफ द बाइक दैट इज़ अ फ्रेम फ्रेम हमारी बाइक का सबसे मेन पार्ट है अगर ये अच्छा न हो तो हमें काफ़ी मुश्किल मिलती है बट इस बाइक में हमें मिलता है एलोए सिक्स टू सिक्स वन का फ्रेम और जो बाइक की जो मैटरी है वो काफ़ी अच्छी है वो एक फीमेल राइडर और मेल राइडर दोनों के लिए कम्पेटेबल है फीमेल राइडर्स मोस्टली ये चाहते हैं कि उनमें टॉप ट्यू थोड़ा सा स्लॉटली डाउनवर्ड्स हो ताकि उनको जब राइड स्टॉप करना हो तो उनकी ईजी रहे बट इस बाइक में आपको वही फीचर मिल रहा है तो आपकी हाइट होनी चाहिए अराउंड फाइव सिक्स से लेके सिक्स टू तक जो कि आई गेस मोस्टली हम सब राइडर्स की होती है अगर आपको लगता है कि आपकी हाइट इससे कम है तो भी आप इस बाइक को यूज़ कर सकते हो इन माय ओपिनियन बिकॉज ऑफ द टॉप ट्यूब जो काफ़ी स्लांटली डाउनवर्ड्स है सो so इसमें हमें अलॉय का फ्रेम मिल रहा है अलॉय के रिम्स मिल रहे हैं डबल वॉल अलॉय रिम्स है ऑफ़ सेवन सी डाय और आपको जो टायर साइज मिल रहा है वो मिलता है सेवन हंड्रेड सी के टायर साइज जो आपको एक लॉन्ग राइड में या डेली कम्यूट में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं आपका जितना वाइड टायर होता है उतना वो ऑफ रोड में बेटर है जितना वो थिनर है उतना वो आपको लॉन्ग रेंज में या फिर डेली कम्यूट में हेल्प करता है बाइक में अलॉय रिम्स हैं और अलॉय का फ्रेम है तो आप इसका वेट गेस कर सकते हो जो कि लाइट होगा तो हमें मिलता है अराउंड थर्टीन पॉइंट का वेट चाहते हो कि आपकी बाइक फ़ास्ट स्पीड पे चले या फिर आप चाहते हो जैसे कई राइडर्स होते हैं चाहते हैं कि रेसिंग करनी है हमें हाइब्रिड बाइक की कैटेगरीज भी होती है तो इसमें हम इजीली रेस कर सकते हैं बिकॉज बाइक का वेट काफ़ी लाइट है सो टॉकिंग अबाउट द लुक्स ऑफ़ द बाइक बाइक के लुक्स काफ़ी प्रीमियम लगते हैं आपको जब बाइक फर्स्ट टाइम दिखेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि कितनी प्रीमियम बाइक है और इसका जो प्राइस है वो है अराउंड नाइनटीन पॉइंट फाइव के का तो आपको इस रेंज में सस्पेंशन मिल रहा है डिस्क ब्रेक्स मिल रही हैं और ये फ्रेम मिल रहा है तो आई गेस वर्थ इट है मेरे हिसाब से बट स्टिल अभी रिव्यू बाकी है अभी पिक्चर बाकी है तो आप पूरी पिक्चर देखना जैसा कि मैं बात कर रहा था कि लुक्स की लुक्स में इसके हमें मैट फिनिश मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है आपको पेंट जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रस नहीं लगेगा बाइक पे। टॉकिंग अबाउट द गेयर ऑफ द बाइक हमें इस बाइक में गेयर सेट मिलता है फ्रॉम शिमानो असेरा इन नाइनटीन पॉइंट फाइव के शिमानो असेरा मिल रहा है आपको और सस्पेंशन भी मिल रहा है डिस्क ब्रेक्स मिल रही हैं तो आई गेस ये इसके पॉइंट्स हम गिन सकते हैं कि ये एक प्लस पॉइंट है अगेन द नेक्स्ट पॉइंट इज द सस्पेंशन सस्पेंशन मिलता है फ्राम दाइक्स और हमें इसमें लॉकआउट सस्पेंशन मिल रहा है दैट मीन्स आप इसको लॉक इन और लॉकआउट कर सकते हो आपको जब राइड करना हो इन द ऑफ रोड थोड़ा सा ऑफ रोड ट्रेज आ रहा है तो आप इसको लॉकआउट कर सकते हो जब आपको पता है कि हमें लॉन्ग राइड पर जाना है और प्लान रोड पर चलाना है तो आप इसको लॉक इन कर सकते हो और अपनी राइड इन्जॉय कर सकते हो जैसा कि हमें ये सेट मिल रहा है ऑफ असरा शिमानू का तो आप इस पर किसी भी टाइप की राइड कर सकते हो अप हिल में हो डाउन हिल में हो या फिर डेली का मीटिंग हो हमें सेवन इंटू थ्री का गेयर सेट मिल रहा है जो आपको काफ़ी अच्छी रेशियो देगा और जो सेरा का गेयर सेट है वो काफ़ी स्मूथ होता है एज़ कम्पेयर टू टोर नहीं अगर आपको किसी बाइक में टोर नहीं मिल रहा हो या फिर माइक्रोशिफ्ट मिल रहा हो ऑफ फर्स्ट लेवल जैसे माइक्रोशिफ्ट के लेवल्स होते हैं जो फर्स्ट लेवल है और जो सेरा है वो थोड़ा सा उससे बेटर होता है तो सेरा आपको काफ़ी प्लस पॉइंट देगा हमें इसमें जो पैडल मिल रहे हैं वो मेटल के पैडल्स हैं तो आपको इस पर ग्रिप अच्छी मिलेगी और इसकी लॉन्ग लास्टिंग लाइफ होगी क्योंकि पैडल्स क्या होते हैं काफ़ी बाइक के काफ़ी काफ़ जल्दी खराब हो जाते हैं ये मैंने किसी भी, भी, भी वीडियो में नहीं होगा आज तक कि मुझे इसकी ग्रिप्स काफ़ी अच्छी लगी या मुझे इसकी ग्रिप्स मेरी फेवरेट हैं पर इस बाइक की ग्रिप्स मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे उसी टाइम पसंद आ गई कि ये तो काफ़ी न्यू टाइप की हैं हमें लेदर की मैं काफ़ी इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को खुद राइड कर काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल है आपको जो हमें राइडर्स के हाथ में ना यहाँ पे रेडनेस हो जाती है वो इसमें पॉसिबल ही नहीं हो सकता क्योंकि इतनी सॉफ्ट है इतनी कुछ नहीं है कि आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी सो so, मैंने एज अ रिव्यूर आपसे सारे प्लस पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं बट जो एक रियल रिव्यूअर होता है वो हमेशा प्लस पॉइंट नहीं बात करता है वो नेगेटिव पॉइंट्स भी बताता है क्योंकि नेगेटिव पॉइंट सबसे ज्यादा मैटर करते हैं मैं आपसे नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करता हूँ द फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट इज़ द दीज़ का जो हमें क्विकलीज नहीं मिलता हमें फ्रंट में और रेयर में कोई क्विकलीज नहीं मिलता क्विकलीज के जो मैकेनिज्म है वो भी काफ़ी इजी टू यूज़ है मतलब मुझे काफ़ी बाइक्स में ऐसा लगता था कि इनको लगाना मुश्किल होता है बट आपको टूल चाहिए होगा तो आपको टूल अपने साथ रखना होगा इन्होंने ओमो बाइक्स वालों ने जो बाइक के साथ हमें पूरी किट दी थी तो उसमें आपको एक काफ़ी अच्छा टूल मिल जाता है जो आप अपने साथ पॉकेट में भी रख सकते हो अगर आपको भी व्हील निकालना पड़ जाएगा तो तब भी ईजी रहेगा एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है बट काफ़ी लोग इसको कंसीडर करते हैं क्योंकि क्विकलीज हमें चाहिए होता है आजकल मार्केट में ऐसा हो चुका है कि हमें क्विकलीज वाली बाइक ही चाहिए क्योंकि वो फटाफट निकल जाता है क्विकली निकल जाएगा बट ये जो नॉर्मल हमारा एक्सेल होता है वो भी काफ़ी इजी टू तो यूज़ होता है तो मेरे को इतना नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा बट स्टिल एज अ व्यूअर मुझे बाकी जो राइडर्स हैं उनका भी सोच के बताना पड़ता है कि उसको नेगेटिव पॉइंट ना लग जाए इसलिए मैंने आपसे शेयर कर लिया बट इन माय ओपिनियन ये इतना तो नेगेटिव पॉइंट नहीं है टॉकिंग अबाउट टॉक थिंग इज दैट कि अगर आपकी हाइट अराउंड सिक्स से ऊपर है या सिक्स तक है तो आपको इसका सैडल पोस्ट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बिकॉज उसकी लेंथ काफ़ी कम है तो आपको वो सूटेबल नहीं रहेगा टू अ सर्टन एक्सटेंट अगर आपकी हाइट सिक्स तक है तो आपको ठीक है अगर आप सिक्स वन है जितनी मेरी है तो आपको थोड़ा सा उसको उसकी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी ताकि आपकी हाइट और हो जाए और आपको प्रॉपर हाइट मिल जाए इतना बड़ा बढ़ाई मैटर नहीं करता क्योंकि अब आपको सेटल पोस्ट अगर आप खुद भी मार्केट में पूछने जाओ आप मेरी बात अगर ना भी मानो आप खुद पूछने जाओगे तो आपको मिलेगा अराउंड टू हंड्रेड तक का थ्री हंड्रेड तक का तो इतना कॉस्ट हमें नहीं फर्क पड़ेगा तो आप वो न्यू ले सकते हो और अपने प्रॉपर सेटेलाइट लेकर आप इसको राइड कर सकते हो मेन फीचर्स होते हैं बाइक का गेयर बाइक के फ्रेम और बाइक के ब्रेक्स और बाइक का सस्पेंशन भी और वो इस बाइक में मैं टॉप नॉच मिल रहा है इन द प्राइज ऑफ अराउंड नाइनटीन अब तो कोई मेरे से पूछेगा कि आपको हाईब्रिड बाइक चाहिए वो भी 19 या ट्वेंटी के के बीच में तो मैं इस बाइक को सजेस्ट करूंगा क्योंकि बाइक जो मैंने खुद यूज़ कर ली है अब मैं उसको कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि आप ये परचेज़ कर सकते हो सो आई गेस दिस वर्ल्ड फॉर द वीडियो मैंने आपसे सारे फीचर्स सारे अच्छे पॉइंट और बुरे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं पूरे ऑनेस्टी से तो आप अपनी बाइक की सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपकी हाईवे बाइक की सिलेक्शन है आपको लॉन्ग रेड्स के लिए चाहिए या आप डेली रूटिंग के लिए चाहिए सो आई विल सीन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बाय